अस्सलाम वालेकुम। और कौन सा स्टॉक साजगार की तरह तेजी से ऊपर निकल सकता है, तो वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा आज की इस वीडियो में। और आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट लाइक पे क्लिक करें, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे देख रहे होते, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा अच्छे कंपनीज के स्टॉक की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। साजगार का स्टॉक तो आप लोगों के सामने एक मिसाल है कि मैंने आप लोग कितने लो पे और डिप पे ना साजगार की बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो वो ऑलमोस्ट 80-90 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। मैं आप लोगों को 80-90 रुपये से साजगार को लेकर चला हूँ कि उसका आप लोग बाय करें। लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें। तो इससे पहले तो मैं ना वॉइस ओवर लेके चल रहा था अपनी हर वीडियो में, आप लोगों ने खुद देखा था कि स्क्रीन रिकॉर्डर भी था और मैं वॉइस ओवर कर रहा था कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को इसको बाय कर लें। लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी इनको बाय कर लिया तो आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त आएंगे, हज़ारों बल्कि लाखों रुपये तक के ना आप लोगों को अच्छे गेन आएंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी, उस वक्त तो वो अच्छे खासे लो पे और डिप पे ना ट्रेडिंग कर रहे थे। कितना तेज़ी से साजगार बढ़ा और कोई भी रुकावट यानी कि आई नहीं, कंटिन्यूसली ना उसको अपर कैप पे अपर कैप भी लगे। और अगर आप लोग एक साल पहले की मेरी पिछली वीडियोस देख ले तो साजगार तो उस वक्त ना अच्छा खासा ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, और लो पे ट्रेडिंग करता साजगार आज 1000 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 1100-1200 रुपये उसका रेट है। और अभी भी यहाँ से तेज़ी और बुलंद आना बाकी है। लेकिन जो स्टॉक मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, आप लोग अभी इनको बाय कर लें साजगार की बनिस्बत, क्योंकि साजगार तो अब ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, यानी कि अब तो आप लोगों के हाथ ना मौका नहीं है और मौका तो आप लोगों के हाथ से निकल चुका अगर आप लोगों ने इसको बाय करके होल्डिंग नहीं करी। लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इनका आप लोग लाजमी ना बाय करके अभी पोर्टफोलियो में रख लें। इनमें कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक तेज़ी से बढ़े। भी जब साजगार तेज़ी से था ना बढ़ रहा, उसमें कंटिन्यूसली यानी कि हर रेटों पे ना वॉल्यूम बन रहे थे, चाहे वो 400 का रेटो, 500 का, 700 का, 800 का, और 800-850 रुपये के बाद तो फिर साजगार तेज़ी से बढ़ा, यानी कि 300-400 रुपये तो उसने तेज़ी से गेन करे 800 रुपये के बाद। तो इस तरह से ये स्टॉक भी ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को इनके टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को ना कम्प्लीटली वॉच करें और वीडियो को लाइक पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं। तो फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स ना देखते हुए रिप्लाई करके आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तो इस बात को आप लोग समझें कि ऑल टाइम हाई पे ना आप लोगों को स्टॉक को बाय नहीं करना। अगर मैं गैल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग गैल के दिखाऊंगा इस वीडियो में एनालिसिस, गैल तो लो पे था ट्रेडिंग कर रहा, मैंने आप लोगों को लो पे कहा था कि अभी आप लोग बाय कर लें। लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम लग रहे थे ना, तो वॉल्यूम साफ ही बता रहे थे कि ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स भी मैटर कर रही होती है, यानी कि वॉल्यूम्स का बनना, कैंडल्स ग्रीन है बनना और कंपनी की अर्निंग्स, तो लाजमी सी बात है उसके बाद ही शेयर तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी गिरती कंपनी का स्टॉक है ना, जैसे कि अब यूनिटी है या हैस्कॉल है या इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक है, सिनर्जी है, तो मैंने आप लोगों को शुरू से लेके ना अब तक इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी, इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को इससे पहले भी इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके लॉस हुआ, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक के लोगों ने लॉसेस रियलाइज़ करे। लेकिन अगर आप लोगों ने इन कंपनीज़ के बनिस्बत जैसे कि साजगार हो गया या इसके अलावा HTL है, TGL है, तो इस तरह के स्टॉक्स अगर आप लोगों ने बाय कर रखे होते ना, तो भले KC 140 पे ट्रेडिंग कर रहा था उस वक्त, और अभी तो 80 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 81 तक तो इंडेक्स गया है। और जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए मैंने इंडेक्स के, तो वो तो बनते हैं 88 से लेकर 90 के, तो 90 तक तो इंडेक्स जाएगा और 90 से भी ना इंडेक्स 23 से ऊपर निकलेगा। और जो मैंने आप लोगों को 100% श्योर बाय कॉल दी भी है ना, तो वो स्टॉक तो बिल्कुल बढ़ेंगे, यानी कि अभी तो उनमें मज़ीद तेज़ी और बुलंद आना बाकी है। लेकिन इस तेज़ी से पहले जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो ये तीनों मुझे टेक्निकली देख के लग रहे हैं कि ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ेंगे विद वॉल्यूम्स ना। इससे पहले भी जब इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे थे ना 55-60 हज़ार के लेवल पे, तो उस वक्त भी ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना वॉल्यूम्स यानी कि अच्छे बन रहे थे और विद वॉल्यूम्स काम हो रहा था। तो इन कंपनीज़ के ना एनालिसिस देखते हुए इन स्टॉक को बाय कर लें अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे। KC 100 की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो KC 100 ना आज के इनकी ट्रेडिंग में 79,000 के अराउंड ही ट्रेडिंग करता रहा, 80 पर ट्रेडिंग कर रहा था बेसिकली। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स 23 से लूज हुए, लेकिन जिस तरह से लास्ट सेशन में KC 100 ने 23 से पॉइंट्स गेन करते हुए 79,900 पे क्लोजिंग दी, तो यहाँ से साफ जाहिर यही हो रहा है कि अभी तो मजीद तेजी और बुलंद आना बाकी। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है, तो लाजमी आप लोग इनको बाय करें। मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हुए इनको बाय कर लेते हैं, तो आप लोगों का जवानी बल्कि लाखों रुपए तक के ना अभी भी, जबकि इंडेक्स 80 पर ट्रेड कर रहा है, तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स ना अच्छी करना होगी, यानी कि टाइम पे आप लोगों को डिसीजन लेना है, आप लोगों को उन्हीं स्टॉक को बाय करना है जिनमें विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है गैल, गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। अगर मैं इसके पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ कि जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो ना गैल लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि यही इसके लो के डिप के रेट थे, 60-65 रुपये, 70 रुपये के इसके रेट थे। लेकिन 23 से इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, फरवरी मार्च के मंथ थे, तो 23 से
गैल फिर उठाए और 74-75 रुपए से फिर अपवर्ड ट्रेंड में गया और कंटिन्यूअसली बाइंग जनरेट होती गई है, यानी कि स्टॉक फिर कहीं भी नहीं रुका। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूअसली कहा था कि आप लोग उसको बाय करें बाय करें, और अभी दोबारा वीडियो बना के आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही है कि अभी तो गैल जो है 230 रुपए के रेट पर ट्रेडिंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली ना बाइंग जनरेट हो रही है। वो इसीलिए कंपनी की अर्निंग शानदार है, जिस तरह से इसकी सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ है ना, तभी तो ये स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो अभी भी ना आप लोगों के पास मौका है, मतलब ऐसा नहीं है कि मौका आप लोगों के हाथ से निकल गया और मैं आप लोगों को बेकार स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो मौका तो आप लोगों के पास है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है। अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी कंपनी के स्टॉक से प्रॉफिट नहीं कमाए ना, यानी कि अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में लॉस हुआ है और आप लोगों ने वो स्टॉक बाय कर रखे हैं जो अब तक लॉस में, तो आप लोग उनको सेल करें और गैल को ना बाय कर लें। जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहे हैं ना विद वॉल्यूम्स, तो ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करेगा, ज्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना अच्छे गेन दे आएगा। लेकिन साजगार आप लोग के सामने एक मिसाल है, साजगार भी लो पे था और आज देख लें साजगार जो स्टॉक है वो 1000 रुपए से ऊपर पे यानी कि ट्रेडिंग कर रहा है, 1100-1200 रुपए तक तो ये चला गया। तो अभी गैल भी आप लोगों को मजीद तेजी से ना ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, 230 रुपए के रेटों पे आज के दिन इसको ट्रेडिंग करते हुए क्लोजिंग आई है। लेकिन जिस तरह से डिप्स है यानी कि बाइंग जनरेट हुई है आज के इनकी ट्रेडिंग में, 215-210 रुपए के रेट पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा था और 210 रुपए से फिर तेजी से गैल ना उठाया और उठते हुए फिर कंटिन्यूसली यानी कि अपवर्ड ट्रेंड में ही रहा है। तो मैं आप लोगों को दोबारा ना गैल का बता रहा है, इसीलिए अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग बाय कर लें। मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ही गिरता है, क्योंकि इस लेवल के अराउंड ना ट्रेडिंग करके एक्युमुलेट होता रहा। मैंने आप लोगों को जो वीडियो बना के अपलोड की थी ना ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते पहले वाली, जो कि मुझे याद पड़ रहा है, तो मैंने आप लोगों को उस वक्त कहा था कि गैल जो है ना वो तो अभी 175 रुपये 180 रुपये के रेट पर ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, इसका रेस्टिंग एरिया कोई नहीं बना, बस प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ही गिरा है। और जैसे ही 200 रुपये ये ब्रेक करता है तो फिर तेजी से ये उठेगा, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखें और लाइक पे क्लिक लाजमी करें ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग ना डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं। मैं तभी तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो में लाइक पे क्लिक करने का बोल देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि गैल हो साजगार हो कोई से भी कंपनी का स्टॉक हो तो कितने जबरदस्त यानी कि प्रॉफिट्स वो दे रहा है। और जब तक इस मार्केट में बायर्स है ना एंटर, तो मार्केट तो कभी भी ना आप लोगों को हारने और लॉस करने देगी नहीं, यानी कि लॉस तो आप लोगों को हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप लोग किसी बिगाड़ शेयर को बाय करेंगे कि इलेक्ट्रिक WTL सिनर्जी, तो इस तरह के स्टॉक्स ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बेसिकली हैं, तो अगर आप लोग उनको बाय करेंगे तो फिर तो आप लोगों को इन दी एंड लॉस ही होगा। क्योंकि जिस तरह से आज के इनकी ट्रेडिंग में गैल ऊपर निकला ना, तो गैल में आप लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, अभी भी तेजी यहाँ से दिखने में आ सकती है। मजबूत लेवल्स तो इसके यही बने हुए, यानी कि इन मजबूत लेवल्स पे ना 1 से लेके 2 मंथ ना गैल ट्रेडिंग करके एक्युमुलेट होता रहा। तो मैंने तो आप लोगों को जब भी अपनी हर वीडियो में बाय कॉल दी है ना गैल की, तो मैंने तो आप लोगों को बाइंग का ही कहा कि गैल को आप लोग बाय करें, गैल को सेल मत करिए, गैल बढ़ेगा। अभी तो एक्युमुलेशन के फेस में जिस तरह से इस कंपनी की सेल्स बेसिकली अर्निंग्स तेजी से बढ़ी है ना, जबकि इंटरेस्ट रेट हाई पर है, लेकिन इसी वजह से फिर ये स्टॉक तेजी से बढ़ा कि इसकी अर्निंग्स और सेल्स बढ़ जाने की वजह से ना इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं, तभी तो गैल का ना शेयर प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है। तो गैल के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, जो मुझे टेक्निकली देख के लग रहा है कि अब तो बाइंग जनरेट हो गई है, तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं गैल के गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के, तो 230 रुपये के रेट पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा है। मैंने आप लोगों को 280 रुपये का तो इसका टारगेट दिया और मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि 280 रुपये तक तो ये जाएगा। अगर आप लोग मिठाई की वीडियोस को डेली बेसिस पे देखते रहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा हर हफ्ते एक आध वीडियो बना के गैल की, क्योंकि जो गैल का बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट ये बनता है 500 रुपये का, तो 500 रुपये तक तो गैल आप लोगों को 23 से इसी ईयर की बात कर रहा हूँ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी बहुत ही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है, कितना लो से यानी कि तेजी से बढ़ा और अभी तक ये स्टॉक ना बड़े बड़े जा रहे हैं। इसका नेम है एयरलिंक लिमिटेड, 104 रुपये के रेट पे तो ये ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन जिस तरह से 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का काम भी हो गया ना एयरलिंक में, तो इसे साफ जाहिर यही हो रहा है कि सारे बायर्स और सारी ना इन्वेस्टमेंट अब एयरलिंक में ना यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में शिफ्ट हो चुकी है। अब एवेंसियन हो, ऑक्टोपस हो, नेटसॉल हो या एयरलिंक है, टैली है, सिस्टम्स है, तो ये सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अभी एयरलिंक की बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ, लाजमी ना आप लोग करंट रेटों पर इसको बाय करें, इसका डिप पे आने का वेट नहीं करें, क्योंकि अगर ये डिप मारता भी नहीं, यानी कि कोई भी ऐसी एक आध न्यूज़ें आती हैं और ये तेजी से गिरता है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर ये गिरता है तो 70 रुपये से लेकर ना 80 और 85 रुपये तक के, यानी कि 15 रुपये के ना ये इसके लेवल्स हैं 70 रुपये से लेकर ना 85 रुपये तक के एयरलिंक के। लेकिन एयरलिंक का ना मैं आप लोगों को अभी दोबारा बता रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि आज की इनकी ट्रेडिंग में तो कंटिन्यूसली ना ये स्टॉक ऊपर से ऊपर गया है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा 98 रुपये के रेट पे, ये आके ट्रेडिंग करता रहा, फिर लास्ट सेशन में 23 से ये उठा सेकंड सेशन में और ऊपर से ऊपर निकला और 106 रुपये से भी ये स्टॉक ऊपर निकला, 107 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया।
थोड़ा बहुत बाइंग यूनिट होती है ना, और मजीद तो इसको अपर कैप भी लग सकता था क्योंकि बायर्स इसमें एंटर थे और हर रेटों पे ना इसको बाय करा है एयर लिंक को। जो एयर लिंक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं ना फिलहाल, तो इसके ना आप लोग मजबूत सपोर्ट लेवल्स देख लें ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि इसके मजबूत लेवल्स एयर लिंक के कौन से बनते हैं। अभी तो एयर लिंक जो है ना वो तो 107 रुपये के रेट पे, 106 रुपये के रेट पे ना ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 70 रुपये से लेके ना 80 रुपये तक के तो ये इसके लेवल्स हैं। और लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना एयर लिंक के, अगर ये मजीद तेजी से बढ़ता है क्योंकि कंटिन्यूसली बैंक जनरेट होने की वजह से ये ऊपर से ऊपर निकल रहा है, और जो मुझे लॉन्ग टर्म टारगेट टेक्निकली देख के लग रहा है ना, क्योंकि जिस तरह से बायर्स इसको हर रेटों पर बाय कर रहे हैं तो इसका टारगेट बनता है 300 रुपये का, जो कि मुझे देख के लग रहा है लॉन्ग टर्म टारगेट, और ये आप लोगों को इसी ईयर एयरलिंक का दिखने में आएगा। लेकिन अब लॉन्ग टर्म टारगेट से मेरा मुराद ये नहीं होता कि आप लोग ना लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए इसको होल्ड कर, हाँ अगर आप लोगों को प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना बिलफर्स, अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है 70 रुपये के रेटों पे, 80 रुपये के रेटों पे, और अभी तो ये अच्छा खासा बढ़ गया है, जो प्रॉफिटिंग बनती है ना एयरलिंक की वो बनती है 130 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के रेटों पे, यानी कि 150 तक का तो ना एयरलिंक का टारगेट है। 150 के टारगेट को माइंड में रखते हुए ना आप लोग एयरलिंक को होल्डिंग कर लें, कोई मसला खराबी नहीं है इससे। प्रॉफिटिंग की वजह से अगर कोई भी स्टॉक गिरता है तो वक्ती तौर पर सिर्फ गिरता है, लेकिन बायर्स की मौजूदगी भी तो स्टॉक को तेजी से बढ़ाती है। तो वो तो आप लोगों ने एयरलिंक में ही देख लिया कि किस तरह से 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का यानी कि काम हुआ, और हर लेवल पे यानी कि वॉल्यूम बनते रहे, यानी कि वॉल्यूम खाली नहीं गए, हर लेवल पे जब कैंडल्स बनी है ना ग्रीन में तो बढ़ते वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली इसमें बनने चले गए। तो अभी भी आप लोगों के पास एयरलिंक में अच्छा मौका है, यानी कि जबरदस्त पैसे ना आप लोगों को बन जाएंगे। मैंने इन रेटों पर आप लोगों को बाय कॉल दी थी, लाजमी ना आप लोगों ने पिछली वीडियोज को देखे, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ये स्टॉक गिर भी है तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। 30 रुपये तक में भी मैंने आप लोगों को कहा कि इसको बाइंग करना स्टार्ट कर दें, और 30 रुपये से फिर ये कितना तेजी से यानी कि बढ़ा, और 30 के बाद तो बाइंग ही जनरेट हो गई थी बेसिकली। तो एयरलिंक भी ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल करता हुआ और तेजी से बढ़ता हुआ ना आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे आएगा। इसके अलावा आखिरी कंपनी की बात कर लेता हूं, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी, इसका नेम है टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। इस तरह से ये स्टॉक अभी तेजी से बढ़ रहा है तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स आप लोगों को हो जाएंगे अगर आप लोगों ने टॉम सीएल को ना बाय कर रखा है। आज के इनकी ट्रेडिंग में तो प्रॉफिटिंग की वजह से ना ये स्टॉक गिरता रहा, 35 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं आज के इनकी ट्रेडिंग में। और वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो 15 लाख से ज्यादा शेयर्स का टॉम सीएल में ना काम भी हो गया, लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना, यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया को ना टॉम सीएल को ब्रेक करना लाजमी हुआ, इसका बना 40 रुपये से लेके ना 41 रुपये तक का, यानी कि जैसे ही ये 40 पे आता है तो इसको चाहिए होंगे विद वॉल्यूम्स तेजी से ऊपर जाने के लिए, और अगर वॉल्यूम बन जाते हैं तो फिर टॉम सीएल तेजी से बढ़ेगा यानी कि 42-48 रुपये। और वैसे ही मैंने आप लोगों को जो टारगेट इसका दिया हुआ है ना 48 रुपये का, तो यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक अभी भी ना बायर्स इसमें एंटर होते जा रहे हैं, इस तरह से ये स्टॉक सिलसिला करके यानी कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं और बढ़ रहा है। जो मजबूत लेवल्स इसके बने हुए हैं ना वो इसके बने हुए 30 रुपये से लेकर 32 रुपये तक के टॉम सीएल के, तो किरण नेटो पर भी बाय कर सकते हैं, और अगर इन लेवल्स पर आता है तो इन पर भी आप लोग बाय कर सकते हैं 28 रुपये से लेकर 30-32 रुपये तक के ना टॉम सीएल के लेवल्स हैं और यही रेट्स हैं। तो प्रॉफिट्स आप लोगों को टॉम सीएल भी तेजी से बढ़ते हुए अच्छे दिया, क्योंकि इससे पहले भी ना ये 40s में ट्रेडिंग कर रहा होता था, मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है 40s में ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये तेजी से बढ़ के प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दिया। तो वो तो आप लोगों ने इस दफ़ा की टॉम सीएल की तेजी में देख लिया कितना तेजी से टॉम सीएल जो है वो बढ़ा। तो जो मैंने आप लोगों को तीनों कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, तीनों आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करेंगे, लेकिन गैल में और एयर लिंक में चांस ना ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह साजगार बढ़ा है तो साजगार की तरह ही ना ये स्टॉक तीनों ही बल्कि तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि तीनों ही कंपनीज ना अर्निंग्स में, जिस तरह से बिजनेसेस ये तीनों कंपनीज ग्रो कर रही है ना, इन बेसिकली इंडेक्स जो है ना वो एक्युमुलेशन की फेज में जाने की कर रहा है, यानी कि 77 का लेवल इसका बनता है मजबूत, लेकिन जब तक ये 80 से ऊपर ऊपर पे ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि 80 से ऊपर ये रहता है तो फिर ये 85 और फिर 90 तक तेजी से जाएगा। लेकिन जो स्टॉक आप लोगों को इस दौरान मिल रहे हैं सस्ते, यानी कि जो स्टॉक बढ़ नहीं पा रहे रेजिस्टेंस एरिया पे आके रुक रहे, तो उनको आप लोग बाय करते रहे, प्रॉफिट्स आप लोगों को जबरदस्त आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स की परफॉर्मेंस रही है ना इस ईयर, यानी कि 7वां मंथ ये चल रहा है और 7वें मंथ तक इंडेक्स देख लें अभी 80 पे आ चुका है, यानी कि 80 से भी ना इंडेक्स ऊपर निकलेगा। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स एनालिसिस आप लोगों ने देख ही लिए, और लास्ट बात ना मैं आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में, ऑल टाइम हाई पे ना स्टॉक को बाय मत करें, तभी ना मैंने आप लोगों को तीनों कंपनीज के स्टॉक्स एनालिसिस इसीलिए दिखाए क्योंकि ये तीनों मुझे बिल्कुल अभी देख के लग रहा है कि टेक्निकली मजबूत है और कंपनीज के ना फंडामेंटल्स भी मजबूत है, और इससे पहले भी लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए, और इस तेजी से बढ़ती मार्केट ने ना आप लोगों को मौके भरपूर दिए, यानी कि अभी भी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है, अब तक इंडेक्स तेजी से नहीं बढ़ना ना, यानी कि 8 से लेकर 10 हज़ार पॉइंट्स की ना तेजी आना बाकी है। तो इस तेजी से पहले पहले आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें ताकि प्रॉफिट्स ना आप लोगों को इस मार्केट में अच्छे हो, क्योंकि लो पे और डिप पे ना मार्केट आप लोगों को मौका भरपूर दे रही है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी एकाध नेगेटिव न्यूज़ें आती है और इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से होते हैं ना लूज, तो फिर जो लेवल बना हुआ है ना KC 100 का
वो बना हुआ है 77 से लेकर ना 78,000 पॉइंट्स का, यानी कि 77 एक मजबूत लेवल है। इस लेवल पर इंडेक्स ने इससे पहले भी ट्रेडिंग करी है, लेकिन अगर इंडेक्स मजबूती से ट्रेडिंग कर लेता है ना 80 पे, यानी कि वॉल्यूम बन जाते हैं, ये वॉल्यूम्स नहीं इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को तेजी से बढ़ाया। और साजगार की मिसाल तो आप लोगों के सामने है, मैंने तभी तो आप लोगों को कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दी थी कि लाजमी इसको बाय करें, इसको बाय करें। ये अभी लो पर ट्रेडिंग कर रहा है, ये अभी डिप पर ट्रेडिंग कर रहा है, ये बढ़ेगा तो आप लोगों ने देख लिया कि कोई भी ऐसी रुकावट ना बनी नहीं। मैंने आप लोगों को कब यानी कि उसका लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था साजगार का, तो उस वक्त तो वो अच्छा खासा यानी कि लो पे और डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, तो फिर आप लोगों ने देख लिया कितना तेज़ी से यानी कि उसको अपर कैप पे अपर कैप भी लगे और सारे बायर्स ना हर यानी कि रेटों पे उस पर एंटर हुए और फिर कंटिन्यूसली ना वो स्टॉक तेज़ी से यानी बढ़ता गया और ऊपर से ऊपर निकलता गया। इस तरह से मैंने आप लोग अभी भी जो जो स्टॉक की बाय कॉल दी भी है ना, अगर वो आप लोगों को देख के लग रहा है कि वो लो पे और डिप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लाजमी ना आप लोग उनको अभी बाय कर लें, बनस्बत ये कि आप लोग बाद में उनको बाय करो और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो, क्योंकि मार्केट ना लॉस वाली है नहीं, यानी कि आप लोगों को कभी भी ना इस मार्केट में लॉस होगा नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी लो पे और डिप पे। लेकिन जो मैं आप लोगों से बात करता था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीडियो को लास्ट में लाइक पे क्लिक करें और सवाल कर लिया करें किसी भी स्टॉक के वाले से, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इससे इन दी एंड फायदे तो आप लोगों को हासिल होना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।